आप क्या पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा ही नहीं लगता कि आकांक्षा पूरी थोड़ा डेट भी करे। मीका सिंह had chosen his friend of 13 years Akansha Puri as his wife to be on Swayamvar Mika Devotee. Now their fans are curious to know when the duo will be tying the knot. During a recent interaction with the media, when Akansha was asked about her marriage plans with Mika, she said that she is not in a hurry and wants to enjoy the dating period. पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा ही नहीं लगता कि आकांक्षा पूरी थोड़ा डेट भी करे, थोड़ा रोमांस भी करे, या वो मुझे सिर्फ दोस्ती में छोड़ देते हैं या शादी कराना चाहते हैं। आई थिंक मैं भी थोड़ा सा डेटिंग फेज भी एंजॉय करना चाहती हूँ, बस वही नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। बट डेफिनेटली कोर्टशिप पीरियड तो मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, और क्योंकि वो मैंने काफ़ी मिस कर दिया है अपनी लाइफ में, बहुत लंबे टाइम से सिंगल हूँ। So I think I want to enjoy that dating phase and thoda romance ho life mein to maza aata hai. Akansha further shared that they are taking their own sweet time to move forward in their relationship. जब गाड़ी को दोस्ती से आगे बढ़ाना पड़ता है और वो भी जब इतनी लंबी दोस्ती हो तो थोड़ा वक्त तो लगता है, एंड आई थिंक हम लोग काफ़ी मच्योर्ड स्टेज पे हैं दोनों अपनी लाइफ के, तो किंडरगार्टन लव स्टोरी तो है नहीं कि टेडी बेयर और रोज और केक दे के कॉफ़ी पे डेट पे चले गए, तो आई थिंक उस चीज़ को बिल्डअप करने में टाइम तो लगेगा। आई एम ग्लैड कि मीका जी हैं मेरे साथ, तो काफ़ी कम्फर्टेबल है। She also shared that she and Mika are also working on a project together. Yes, in fact, मैं क्या हम दोनों ही बहुत बड़ा एक और धमाका करने वाले हैं, and I think lot of good things coming up. मुझे लगता है बर्थडे मेरे लिए काफ़ी लकी और ये बर्थडे वीक बहुत लकी है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लॉक हुई हैं, सो अभी आप लोग को तो पता लग ही जाएगा, because I'm gonna share it with you. Akansha Puri was previously in a relationship with Big Boss 13 fame Paras Chhabra. The couple called it quits while Paras was in the reality show Big Boss 13.